अगर पैसा हो तो दुख भी कट जाता है। तो आपका रास्ता जो है ना, ये एक तो ले जाएगा सही रास्ते पर और एक आपको भटकाएगा। आपकी एज में सबसे इम्पोर्टेंट है सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। अपनी लाइफ को अब मत देखो, तुमने अब तक जो किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 2022 और 2023 में तुम जो करोगे ना, इससे तुम 2060 तक की लाइफ को प्रभावित करोगे। तुम जिस एज में हो ना, ये एज लाइफ की गोल्डन एज है। इसको गोल्डन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम में आप में से जिसने मेहनत कर ली वो पूरी लाइफ को बेहतर बना सकता है। ये सबसे बेहतरीन एज है। इसमें दो रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता जो हमें सही दिशा में ले जाएगा और लाइफ में सक्सेसफुल बना देगा। सक्सेसफुल होने के बाद ये होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी लाइफ आसान बन जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई नहीं कमाता है तो उसके दुखी रहने के चांसेस बढ़ गए। कोई कमाता है, सुख दुख तो भगवान की देना ही, हमारे हाथ में नहीं होता। किसी को बीमारी लग गई है, किसी को कोई दिक्कत आ गई, लेकिन अगर पैसा ना हो और दुख आ जाए तो वो दुख कई हजार गुना बढ़ जाता है। तुमने अब तक जो किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 2022 और 2023 में तुम जो करोगे ना, इससे तुम 2060 तक की लाइफ को प्रभावित करोगे। अगर सही रास्ता नहीं पकड़े तो अगले 40 साल, अभी तुम 20-20 साल के इर्द गिर्द हो, कोई 18 का, कोई 22 का, कोई 21 का, यही एज ग्रुप है तुम्हारा। तो तुम्हें ये बता रही हूँ, तुमसे मेरी एज लगभग डबल है। मेरी एज है 39 प्लस, और मेरा ये अनुभव है इतने सालों में कि जो इस टाइम पे सही टाइम डिसीजन ले गया ना, उसकी लाइफ बहुत बढ़िया कटती है। जैसे मैंने बताया, मैं 20 साल में नौकरी में आ गई, उसके बाद से मेरी लाइफ बेहतर 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 होती चली गई। मैंने नौकरी छोड़ी थी 2015 में, कई साल जॉब करने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, कारण आईसीएस बहुत बढ़ गया था। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब करना पॉसिबल नहीं रहा तो मैंने छोड़ दी, लेकिन जब तक आईसीएस अपनी जड़ें जमा रहा था तब तक मेरे पास एक सबसे ताकतवर चीज मेरी नौकरी थी। आप जब जिस टाइम पे आप अपना दूसरा काम सोच रहे हो ना करने का, उस टाइम अगर आपके पास पीछे एक बैक है तो आप फ्री रहते हैं। हम इतने सालों तक जो आईसीएस को धीरे धीरे करके बड़ा करते रहे, उसका लॉजिक ही ये था क्योंकि पीछे एक सिक्योरिटी थी, एक सेफ्टी थी कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है। तो तुम भी अगर जीवन में कुछ बड़ा भी करना चाहो ना, जैसे कई लोगों के सपने बड़े होते हैं, वो सोचते हैं कुछ बड़ा करेंगे, उस बड़े तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। एवरेज घर के बच्चे को, किसी को पेंटर बनना है, किसी को गायक बनना है, किसी को डांसर बनना है, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके पैर जमीन पर रहने बहुत जरूरी है। और हम आम परिवारों में पैर जमीन पर तभी टिके रहते हैं जब हमारे पास कोई काम धंधा होता है, और हमारे लिए सबसे बेस्ट है एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, फिर अपनी मर्जी की लाइफ आप कैसे भी जी सकते हैं। प्रोफेशन कभी भी बदला जा सकता है, पर पैर खड़े होंगे ना जब एक जगह, तभी लोग आपकी बातों को मानेंगे। अब तुम में से कोई कहेगा, पिताजी मुझे ना गायक बनना है, तो दो लात पड़ेंगी उसको, पढ़नी भी चाहिए, गायकी का भूत तो सवार बहुतों को है, किसी को हीरोइन बनना है, किसी को हीरो बनना है। ये सब चीजें ना, या तो बहुत अमीर घर में पैदा हुए हो तो चलती है। एवरेज परिवार में सबसे पहले पैसा कमाना सीखो, फिर उस पैसे को अपने ऊपर लगा दो। मैंने 2015 में जॉब छोड़ी तो मेरे पिताजी डिसीजन मेकर नहीं थे मेरी लाइफ के, लेकिन 2003 में जब मैंने जॉब शुरू की तब मेरी लाइफ के सारे डिसीजन मेरे फादर लिया करते थे। जिस दिन से मुझे नौकरी मिल गई उस दिन से अपनी लाइफ के डिसीजन मेकर मैं बन गई। ये तुम्हारे साथ भी होगा। अभी तुम्हारे जीवन के सारे निर्णय घर परिवार वाले लेते हैं, और लेने भी चाहिए क्योंकि तुम उतने डेवलप नहीं हो। जिस दिन तुम्हें जॉब मिल गई ना, चाहे तुम 20 साल के हो, उस दिन तुम्हारी स्थिति इतनी हो जाएगी कि हाँ, घर वाले तुम्हें पूछने लगेंगे, एक अलग ही चीज फील होने लगती है सब लोगों को, और लगता है कि अभी ये काबिल है। तो अपनी काबिलियत प्रूफ करनी पड़ेगी, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा चाहे तुम भंडार भरा पड़ा हो तुम्हारे दिमाग में। अपनी काबिलियत प्रूफ करो, नौकरी हासिल करो, करना ना करना बात की बात होती है, जिसको जैसा करना हो वैसा कर सकता है, पर अपने आप को स्टेबल बना लो पहले। ये मेरी तरफ से इसको सलाह मान लो, तुम उससे छोटे भाई बहनों की तरह हो, इसलिए बता रही हूँ। सपने कई बार बच्चे बहुत गलत ले जाते हैं, जैसे किसी को यूट्यूबर बनना है, आजकल लोगों को बड़ा शौक होता है कि हम तो भाई इन्फ्लुएंसर बनेंगे, बन जाना, लेकिन पहले अपने पैर जमा लेना। जिसके पास पैसा होगा ना, वो कुछ भी कर सकता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता। और पैसा ऐसे डायरेक्शन से आना चाहिए जिससे कि माँ आपका नाम ऊंचा हो। पैसा तो ठेका जो खोल लेते हैं शराब का, वो भी कमाते हैं, ड्रग सप्लायर भी पैसा कमाते हैं, पर उस तरीके से माँ बाप की इज्जत क्या रह जाती है? एक ऐसा कि हाँ भाई, इनका लड़का या इनकी लड़की 19-20 साल में नौकरी लग गए, माँ बाप की भी तो इज्जत बढ़ाना हमारी ड्यूटी है ना। अब तुम जिस उम्र में हो ना, इन सबसे तुम्हारे एक स्टेप से माँ बाप के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो खूब मेहनत करो, जम के पढ़ो, ताकि कहीं एक स्टैंड बना पाओ।